नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कर। नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। क्रिप हाइमार्क रिपोर्ट कैसे पुल आउट करोगे, कैसे रीड करोगे, कैसे आप क्रिप हाइमार्क रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं। ये उस ट्यूटोरियल का सेकेंड वीडियो है जहाँ पे मैं बताएंगे कैसे आप क्रिप हाइमार्क रिपोर्ट रीड करोगे। आपको सिविल रिपोर्ट पढ़ना आएगा तो बहुत आसानी से आप क्रिप हाइमार्क का रिपोर्ट भी पढ़ सकोगे। मिस्टर कॉलोल बेरा जिन्होंने उनका क्रिप हाइमार्क रिपोर्ट दिया है ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए मैं उनको स्पेशल थैंक्स देंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं उनका रिपोर्ट और कैसे आप रीड करोगे वो भी मैं डिटेल में बताएंगे। कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट, ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए रिपोर्ट बनाए जाते हैं। आपका कोई कंपनी रहेगा या तो बिजनेस रहेगा, उसके नाम पे आप कोई लोन लोगे तो लोन यहाँ पे शो नहीं करेगा, उसके लिए कंपनी रिपोर्ट अलग से होता है। इस साइड में देखिए सीएजे रेफरेंस एक नंबर दिया हुआ है, जितना बार आप ये रिपोर्ट पुल आउट करोगे एक अलग नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। आप क्रिप में कॉन्टेक्ट करोगे, आपका रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है और इस रिपोर्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो ये रेफरेंस नंबर वहाँ पे बोलना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस नंबर वो वहाँ पे दे दोगे तो लोगों को भी समझ में सुविधा होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट वो लोग वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, आप जितना सारा इन्फॉर्मेशन देके ये रिपोर्ट पुल आउट करोगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहते हैं। नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नंबर देना पड़ता है, जो हम यहाँ पे पैन कार्ड दिए थे कस्टमर के लिए, तो वो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। प्राइवेसी के कारण से हम सारा डेटा यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ, मगर आप खुद के लिए जब रिपोर्ट पुल आउट करोगे सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए क्रिप हाइमार्क स्कोर, हर रिपोर्ट के लिए एक स्कोर जनरेट होता है, जो स्कोर का रेंज होता है 300 से लेकर 900। यहाँ पे देखिए 652 एक स्कोर लिखा है। इस रिपोर्ट में जो हिस्ट्री है, लोन हिस्ट्री और लोन रिपेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे एक स्कोर जनरेट होता है, जो हर क्रेडिट ब्यूरो में होता है और यहाँ पे भी होता है। मगर और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देंगे, इस कस्टमर का एक्सपीरियंस सिविल में, एक्सपीरियंस एंड ट्रांजिशन सिविल में स्कोर है 750 प्लस, मगर यहाँ पे शो कर रहा है 652। मैं पहले वीडियो में ये बताए थे कि सिविल एक्सपीरियंस में जो स्कोर होता है नॉर्मली क्रिप हाइमार्क में उसका स्कोर कम होता है। मेरा क्रिप हाइमार्क का स्कोर भी बहुत कम है ट्रांस यूनियन से, क्योंकि ट्रांस यूनियन में मेरा जो सिविल स्कोर है वो 780 प्लस है, जहाँ पे क्रिप हाइमार्क में स्कोर है 688। ये डिफरेंस क्यों होता है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हर जगह में जो स्कोर रेंज होता है 300 से लेके 900 तक, मगर स्कोर के लिए क्यों इतना डिफरेंस हो रहा है आपको ये चीज पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मेरा जो व्यूअर्स है वो लोगों को पता चलेगा और मेरे को नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरिएशंस है, नेम वेरिएशंस, यहाँ पे दो नाम शो कर रहा है, कल्लोल बेरा एंड कल्लोल कुमार बेरा। नॉर्मली ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो नाम है वो नेम यहाँ पे शो करेगा और एक ही नेम शो करेगा, मगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो नेम शो कर रहे हैं और एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है, कस्टमर के लिए डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है। तो इस वजह से हुआ है कि दो व्यक्ति का नेम यहाँ पे शो कर रहा है और इसी वजह से डेटा मिक्सिंग भी हुआ है। यहाँ पे रिपोर्ट डेट शो कर रहे हैं, ये रिपोर्ट डेट इसलिए शो कर रहे हैं, क्रेडिट ब्यूरो अपने आप कोई डेटा यहाँ पे नहीं स्टोर करते हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वही डेटा यहाँ पे शो करते हैं। तो जिस डेट में ये रिपोर्टिंग हुआ था उस डेट यहाँ पे मेंशन किया रहता है। इसके बाद है एड्रेस, जितना सारा एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे लोन लेने के टाइम पे वो एड्रेस यहाँ पे नॉर्मली शो करते हैं, और जिस डेट में ये रिपोर्टिंग होता है वो डेट इधर शो कर रहे हैं। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ वेरिएशंस, आपका डेट ऑफ बर्थ, फोन वेरिएशंस, फोन नंबर यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद आईडी वेरिएशंस, यहाँ पे तीन आईडी कार्ड नंबर दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो रेशन कार्ड शो कर रहा है ये कस्टमर का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद है अकाउंट समरी, जितना सारा लोन आपका चल रहा है वो नंबर यहाँ पे शो करता है, जैसे कि यहाँ पे तीन अकाउंट है और एक्टिव जो लोन है वो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे एक्टिव लोन दो है, ओवरड्यू कुछ नहीं है, ओवरड्यू रहेगा तो यहाँ पे ओवरड्यू शो करते हैं कितना अमाउंट ओवरड्यू है, करंट बैलेंस है 4,96,381 और सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है 5 लाख, वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे इंक्वायरीज इन 24 मंथ जितना है वो शो करता है, देखिए यहाँ पे 5 इंक्वायरी हुआ है, नंबर ऑफ अकाउंट्स इन लास्ट 6 मंथ, 6 महीने में कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, न्यू डेलिक्वेंट अकाउंट्स इन लास्ट 6 मंथ, 6 महीने में कोई भी लोन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहे हैं। इसके बाद
हर अकाउंट को इन डिटेल में शो करते हैं। अकाउंट टाइप यहाँ पे शो कर रहा है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट ग्रांटर जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपको लोन दिया है उसका नाम यहाँ पे शो करते हैं, और यहाँ पे अकाउंट नंबर शो कर रहे हैं, और जिस डेट में लास्ट रिपोर्टिंग हुआ है जैसे कि 31/10/2022 वो डेट शो करते हैं। यहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का नाम स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस लिमिटेड शो कर रहे हैं। नॉर्मली आप बैंक से ये रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं शो करेगा और अकाउंट डिटेल भी नहीं शो करेगा। मैं कस्टमर का प्राइवेसी के कारण से ये अकाउंट नंबर थोड़ा हाइड करके रखे हैं। यहाँ पे देखिए ओनरशिप शो करता है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए लिया जाता है तो ओनरशिप इंडिविजुअल लिखता है। आप ज्वाइंट नाम पे लोन लोगे तो यहाँ पे ज्वाइंट दिखाएगा, और आप गारंटर होंगे तो यहाँ पे गारंटर शो करेगा। क्रेडिट लिमिट 0 है, कैश लिमिट 0 है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे कुछ रहेगा तो शो करता है, मगर क्रेडिट कार्ड में कुछ इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं रहता है। जिस डेट में डिसबर्समेंट लोन होता है वो डेट यहाँ पे मेंशन करता है, जैसे कि यहाँ पे 13/6/2022 है। आपका लास्ट पेमेंट डेट जो होगा वो यहाँ पे शो करेगा। लोन क्लोज होगा तो यहाँ पे क्लोज डेट भी लिख के रहता है, मगर ये एक्टिव क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे कुछ क्लोज नहीं हुआ है। टेन्योर कितना रहता है वो दिखाता है, मगर यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अलग से कुछ टेन्योर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहे हैं। डिसबर्समेंट अमाउंट, करेंट बैलेंस, लास्ट पेमेंट अमाउंट, ओवरड्यू अमाउंट शो करते हैं, मगर हर जगह में 0 है। एक्चुअल में ये डेटा एक एरर डेटा है, ना तो कस्टमर ये क्रेडिट कार्ड लिया है और ना ये सारा इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट कुछ ना कुछ होता है, ये यहाँ पे 0 शो कर रहा है। क्रेडिट कार्ड का लिमिट 0 होगा ऐसा भी नहीं है। देखिए क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 0 शो कर रहा है, यहाँ पे करंट बैलेंस भी कुछ भी नहीं शो कर रहा है। आपको समझाने के लिए ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री जनरली 24 मंथ हिस्ट्री यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस लिखा है, यहाँ पे 00/STD लिखा है, यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस, यहाँ पे 00/STD लिखा है। ट्रिपल क्रॉस का मतलब ये होता है बैंक कोई रिपोर्ट जब नहीं करते हैं तब ये ट्रिपल क्रॉस शो करते हैं, और यहाँ पे 00/STD का मतलब यही होता है कि आपका लोन सही टाइम पे सही तरह से रिपेमेंट हुआ है। आपका लोन का रिपेमेंट में कुछ डिले होगा तो कितने दिन के लिए डिले हुआ है वो शो करते हैं। देखिए दूसरा और एक अकाउंट देखते हैं जो बिजनेस लोन है, ये भी इंडिविजुअल के लिए है। डिसबर्समेंट डेट दिया हुआ है, जितना लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो शो कर रहा है, करंट बैलेंस कितना है ये भी शो कर रहे हैं। जैसे मैं बताया थे मिनिमम 24 मंथ्स का डेटा शो करते हैं, इस लोन के लिए लंबे टाइम के लिए डेटा शो कर रहे हैं और हर जगह में आपका स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, तो कस्टमर का लोन रिपेमेंट सही टाइम पे हो रहा है। यहाँ पे कुछ कोलेटरल रहेगा तो उसका वैल्यू शो करते हैं। तीसरा और एक लोन यहाँ पे शो कर रहा है, बिजनेस लोन प्रायोरिटी सेक्टर स्मॉल बिजनेस। यहाँ पे देखिए क्लोज डेट शो कर रहा है, इसका मतलब ये लोन क्लोज हो चुका है, और टेन्योर 8 महीने के लिए था ये भी दिखा रहा है। ये लोन टर्म लोन था इसलिए इसका इंस्टॉलमेंट भी है 4749, वो भी शो कर रहे हैं। देखिए करंट बैलेंस 0 है, इस अकाउंट में भी पेमेंट स्टैंडर्ड था इसलिए हर जगह में स्टैंडर्ड शो कर रहा है। STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। एकदम एंड में है इंक्वायरी डन बाय लेंडर्स, लास्ट 24 मंथ्स में जितने सारा लोन इंक्वायरी हुआ है यहाँ पे शो करते हैं। लेंडर नेम शो कर रहा है, किस डेट में इंक्वायरी हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है। मान लीजिए आप हाउसिंग लोन के लिए किया है तो हाउसिंग लोन शो करेगा, पर्सनल लोन के लिए आप करोगे तो पर्सनल लोन, या तो बिजनेस लोन के लिए आप करोगे तो बिजनेस लोन यहाँ पे शो करते हैं, और जितना अमाउंट के लिए आप इंक्वायरी करोगे इस साइड में शो करते हैं। मगर एक चीज में ध्यान में रखिए, अब बैंक से ये क्रीप हाइमर का रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है कौन सा बैंक में आप इंक्वायरी किया है, वो बैंक से दिखाएगा जिस बैंक से आपने रिपोर्ट पुल आउट किया है, उस बैंक का नेम शो करता है, और दूसरा कोई बैंक का होगा तो उसका नेम यहाँ पे नहीं शो करता है। मगर ये रिपोर्ट हमने डायरेक्टली क्रीप हाई मार्केट साइट से निकले हैं इसलिए यहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। एंड ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट, नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया है आपका समझने के लिए, जैसे कि ट्रिपल क्रॉस जो नॉट रिपोर्टेड होता है, STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, आपका पेमेंट सही टाइम पे हो रहा है तो उस केस में STD हिस्ट्री में दिखाता है। यहाँ पे SUV है जो हम लोग इस रिपोर्ट में नहीं देखा है, मगर बहुत सारा केसेस में हम लोग देखते हैं SUV है, वो तब होता है आपका रिपेमेंट 90 डेज से ज्यादा ओल्ड होगा तो उस केस में SUV शो करेगा, और सबस्टैंडर्ड ज्यादा दिन के लिए आप करोगे तो वहाँ पे DBT शो करते हैं। DBT तब होता है, सबस्टैंडर्ड कंटिन्यूली 12 महीने हो जाएगा तब वो डाउटफुल हो जाता है और आपका क्रेडिट रिपोर्ट में भी DBT शो करते हैं। यहाँ पे और एक चीज दिखा रहा है LOS, इसका मतलब लॉस है, ज्यादा केसेस में LSS शो करते हैं। सबस्टैंडर्ड से आपका अकाउंट जब डाउटफुल हो जाएगा उस केस में बैंक कभी भी उस अकाउंट को लॉस अकाउंट ट्रीट कर सकते हैं, उस केस में क्रेडिट ब्यूरो में भी
लॉस रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है, यह है एसएमए। एसएमए स्टैंड फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट। ज्यादातर पीएसयू बैंक जब लेट पेमेंट होता है हिस्ट्री में एसएमए शो करते हैं, नॉर्मली प्राइवेट बैंक में एसएमए शो नहीं करता है। जितने दिन के लिए डिले पेमेंट होता है, लेट पेमेंट होता है, उतना दिन ही लिखता है। क्रीप फाइलमार्क रिपोर्ट कैसे रीड करोगे, हमें उम्मीद है आपको समझ में चला आया। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। सिविल रिपोर्ट आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, ट्यूटोरियल आज ही देख सकते हो, ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है या तो आपका सिविल रिपोर्ट में स्कोर कम है उसको आप सही कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो वीडियो देख के। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप क्रीप हाइमार्क में कोई डेटा अपडेट नहीं है या तो कुछ एरर है, उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।